이거는 까꿀이야. 까꿀이 그렇대. 만져봐. 내가 갖다 드겠지? 네? 어. 너희? तभी मैं आपके साथ एक ऑयल का जो है रिव्यू शेयर करने वाली हूँ. ये ऑयल बहुत ही डिफरेंट है क्योंकि इसका जो इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत ही डिफरेंट है. तो बाकी के जैसे होते हैं जिसमें क्या बोलते हैं कोकोनट होता है, एलोवेरा होता है, आलमंड होते हैं जो ऑयल में होता है, तो ये बहुत ही डिफरेंट है. तो ये जो ऑयल है बनाया गया है जड़ू से, इसको मराठी में बोलते हैं जड़ू. और ये है नेचर श्योर का जंक तेल लीच ऑयल. ये देखिए ये इसका आउटर पैकेजिंग है और ये अंदर से ऑयल जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है. और ये ऑयल अभी मैं इन दिनों यूज़ कर रही हूँ. और ये जो ऑयल है जैसे कि आपको पता होगा जड़ू अगर हम मतलब अपनी स्किन पे रख देते हैं एक यहाँ पे मतलब वो थेरेपी होती है. तो जो आपके अंदर का अशुद्ध रक्त जो होता है, अशुद्ध ब्लड जो होता है, वो उसको निकाल के फेंक देता है. और फिर उसके बाद उसके बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं क्योंकि मेरे सिस्टर के साथ वो किया था. वो एक बार बीमार पड़ी थी तो उस टाइम उसको ज़रूर जो है वो उसको यूज़ किया गया था. और एक मेरे मम्मी के मैके के पास एक लड़की थी तो उसको एक ऐसी बीमारी हुई थी कि वो बस उसी की वजह से ज़रूर जो है ना उसी के थ्रू ही मतलब वो ख़त्म हो सकती थी. और वो जो ज़रूर है ना उसको हमेशा पूरे शरीर में लगाने पड़ते थे. और उस बंदी का ये हुआ था कि उसकी जो बीमारी हुई थी वो किसी भी मेडिसिन से नहीं ख़त्म होने वाली. तो डॉक्टर ने एक ही उपाय बताया था कि आपको जो है उस बच्ची को जड़ों की मदद से ही इसका पूरा शरीर का जो अशुद्ध रक्त है वो निकाला. ऐसा कुछ तो था, मुझे इतना याद नहीं आ रहा, बट उस जड़ों की मदद से हर डेली या ऐसा कुछ तो था, डेली मतलब मुझे इतना याद नहीं आ रहा, हफ्ते में ऐसा कुछ तो था कि उसको जड़ों हमेशा पूरे बॉडी पर लगाते थे और उसका जो अशुद्ध रक्त था वो निकालना पड़ता था उस जड़ों की मदद से. और वो इतना रोती थी उस बच्ची कहा, उसको ये बीमारी ऐसी हुई थी कि उसका जो स्कूल था वो छूट गया था. और लड़की अभी बहुत ठीक ठाक है और वो थेरेपी होती है, कुछ तो थेरेपी होती है. तो उसी जड़ों की मदद से जो है ये जो जोंग तेल है, लीच ऑयल उसको कुछ बोलते हैं, तो बनाया गया है. सो अगर आपको कुछ जैसे कि हेयर फॉल की, जैसे कि किसी के बाल झड़ रहे हैं, यहाँ पर लिखा है कि क्या ये हेल्प करता है, कैसे हेल्प करता है आपके हेयर को. प्रिवेंट्स हेयर लॉस एंड हेयर फॉल. अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो ये मदद करता है. प्रमोट्स फास्टर हेयर ग्रोथ, आपके हेयर जो है फास्ट ग्रोथ करने में मदद करता है. डैंड्रफ के साथ फाइट करता है. जैसे कि अगर आपके हेयर में इन्फेक्शन होता है, क्योंकि इन्फेक्शन होता है तभी तो डैंड्रफ होता है, तो ये ख़त्म करने में मदद करता है. सो ये बहुत ही अच्छा ऑयल है. अगर आप परचेस करना चाहते हो तो मैं नीचे इसकी लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ पर जाके भी चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही अलग चीज़ से बनाया गया है. और मेन चीज़ ये डर्माटोलॉजी के लिए टेस्टेड है. सॉरी, मैंने इसको यूज़ किया है और मुझे भी बहुत काफ़ी अच्छा लगा. और कौन से वेबसाइट है मैं बता देती हूँ. अमेज़ॉन है, फिर उसके बाद स्नैपडील है,
और फ्लिपकार्ट, इन तीनों वेबसाइट पे ये ऑयल जो है वो अवेलेबल है और तीनों पे डिफरेंट डिफरेंट क्या बोलते हैं डिस्काउंट चलता रहता है, तो आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। और इसकी जो प्राइस है वो है 239, ये जैसे कि देख रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा ऑयल है और मेन इसका इंग्रेडिएंट्स ही बहुत ही डिफरेंट है, तो इस वजह से तो बहुत अच्छा। और इसकी जो थेरेपी होती है कि बाहर के देश में, मेरे को किसी का वीडियो तो देखा था कि यहाँ पे अगर आपको किसी का ये देखा था मैंने कि पूरे बाल नहीं थे उस बंदे के, और यहाँ पे जो था वो जोड़ू जो है वो रखा था, और फिर उसके बाद धीरे 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 उसके हेयर जो है वो ग्रोथ होने लगे। तो हमें तो इतना तो नहीं मिल सका क्योंकि हमारे यहाँ पे वो थेरेपी भी नहीं है, हम डायरेक्टली इस ऑयल को भी यूज़ कर सकते हैं। और इस ऑयल को यूज़ करना बहुत ही सिंपल है, जैसे कि हमारा रेगुलर जैसे कि हम क्या बोलते हैं ऑयल मसाज करते हैं उसी तरीके से इसको अप्लाई करना है और सुबह जो है आपके बाल धोने हैं, बस बहुत सिंपल है। बहुत सारी बातें हुई, तो चलिए अभी सोते हैं दोपहर के टाइम, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, गर्म दिन देखो स्वेटर वगैरह पहन के बैठ गए हैं ना। इस स्टॉल को किसने तोड़ा, किसने किया ये सब कुछ, तुमने तो दुपिया मिच्छी, देखो मिच्छी स्वामी श्री, अरे स्वामी श्री के मखाने नीचे गिर गए। गनु मुंह धो लो, हाथ मुंह धो लो, जाओ हाथ मुंह धो दो, हाँ फेस धो के आ जाओ। ओए हाथ से खाना है, हाथ से खान, स्वच्छ धुआ, ओले वाह 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 वाह, गुड गर्ल। हाँ तोंड पण धुत आहे बच्चा, तोंड पण धुत, झोपेत न उठले ना। आहा अजून धू, दोन्ही हाताने धू, आहा। मेरे लिए चाय बना के गए हैं और स्वामी श्री को मैंने अभी मखाने दिए। बच्चे जब बीमार होते हैं ना तब बहुत परेशान करते हैं, हम मम्मी इसको समझ लेना चाहिए क्योंकि अभी वो बीमार है। क्योंकि स्वामी श्री को क्या हो गया, क्या हाल है, सर्दी खांसी हुई है, क्यों हुआ बच्चे को, मेरे नीचे गिर गया, क्या हुआ मेरे बच्चे को, क्या हुआ है, मुझे तो ना मखाना स्वामी श्री का सबसे फेवरेट है ना मखाना, वो किसी के साथ शेयर नहीं करती है, बट अभी मेरे साथ शेयर करके मैंने इसको दिया है। लेकर मेरे को दो ना मखाना, दो ना बच्चा, आ आ आ आ दो, दे ना दे, जल्दी से जल्दी से देती भी नहीं हो, दिया तो एकदम छोटू सा दिया, देखिए कितने बड़े बड़े मखाने, बट छोटू सा दिया, और दो ना, दो ना और शेयरिंग नहीं करना आता है इसको ज़्यादा, है ना, खाओ मेरा प्यार बच्चे। कल बिरयानी बनाई थी स्वामी श्री ने, बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं खाई थी, लिटरली चार या पांच ही बाइट्स खाए हैं, तो उसको जो पसंद है वो ये मैं अभी दे रही हूँ उसको, है ना बेटे, तो बड़ी तबियत मखाना किस किस को पसंद है मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे मखाना पसंद है, प्लेन ही खाना पसंद है, घी में डाल के वो वगैरह बिल्कुल भी इतना अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से हम पूरा प्लेन ही खाते हैं। मेडिसिन घेतली, तू औषध घेतलं होतं ना रे, पप्पा दिल ते ना, हां स्वामी जी पूरा याद रखती है, जब भी बीमार होती है ना तो बताती रहती है, मम्मा ये दवाई मुझे लेनी है, वो लेनी है। गणेश मैडम को बिल्कुल ऐसा नहीं होता, काय केलं गणू, काय केलं, कलर केला, अच्छा ब्रश करते बा, ब्रश करके
पता नहीं कनिशी का क्या चल रहा है, क्या करते हैं। तो चलिए चाय पीते हैं और मुझे अभी थोड़ी देर के बाद फ्रिज जो है वो क्लीन करना है तो वो भी कर लेते हैं। सौमिश्री मैडम ने कहा कि उसे भी चाय चाहिए, मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैं अभी चाय पीने वाली, तो उसने मुझे भी कहा मुझे चाय पीनी है, चाय पीनी मम्मा। तो अभी मैं उसके लिए अभी वो जो चाय अभी बनाई वो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले गए नितेश, तो मैं वो चाय गर्म करके अभी थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देती हूँ क्योंकि सौमिश्री इतनी गर्म चाय पी रही, तो मैं अपने लिए फिर से चाय बना रही हूँ। तो चलिए चाय तो बनाते हैं, दूध भी डालना है इसमें, दूध डाल देते हैं। घनश्री देखिए फोल्ड करके रख रहा है, मेरा बहुत प्यारा बच्चा, इतना प्यारा बच्चा है ना मेरा। हाँ खुद का ब्लैंकेट देखे ऐसे वैसे बिखर देगा। आहा अच्छे ते लो काय झालं गलमच प्यायचे बच्चा, कशाला बरं वाटल, इतकं गरम नाही ताईडे। अभी शाम के 7 बज चुके हैं, 7:15 बज चुके हैं। मैं देखती रहती हूँ क्योंकि हमारे घड़ी जो है आधा घंटा आ गए, तो हमें जो चेक करना पड़ता है। सौमिश्री गणेश जी के लिए मैंने गणेश जी के लिए चाय बनाई थी, तो क्या हुआ था गणेश जी को ऐसा है कि उसको जो बिस्कुट है तो उसको एकदम बारीक बारीक टुकड़े क्रश करके देना पड़ता है, तो इस वजह से जो कुछ बचे हुए बिस्किट थे तो वो मैं अभी खा रही थी। क्या होता है फिर उसके बाद वैसे ही रख दो, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से मैं खा रही थी। वो थे मारी के बिस्कुट और अभी ये थोड़ा सा ही बचा हुआ है मखाने, फुल मखाना। तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, ये मैं डिमांड से लाती हूँ मोरिया की, ये देखिएगा आप। इसकी प्राइस पहले बहुत कम थी, अभी ज़्यादा बढ़ चुके, 149 के 100 ग्राम 149 के है, बट ये बहुत अच्छे होते हैं। देखिए इसमें क्या क्या लिखा है बेनिफिट्स इसका, रोस्टेड फॉक्स नट यानी कि फुल मखाना इज़ नोन फॉर इट्स ईजी डाइजेस्टेबल एंड हाई न्यूट्रिशन कंटेंट, गुड फॉर हार्ट, हेल्प्स क्योर एनीमिया, इज यूज टू स्ट्रेंथ स्पिलर एंड किडनीज। सो यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे बेनिफिट्स लिखे हैं, तो ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है इसका मखाने का, बट यस मुझे बहुत सारे लोग पूछते होते हैं। मैं भी पहले मखाना नहीं खाती थी, बट मैंने जब यूट्यूब पे सर्च किया था तब मैंने देखा था कि मखाना कितना हेल्दी होता है और छोटे बच्चों के लिए तो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि जस्ट जैसे कि पॉपकॉर्न होता है वैसे ही वो लगता है, बस उसमें नमक नहीं होता है। ये जो वाइट मखाना होता है जो आप मार्केट से लाते हो, मार्केट में मैंने देखे है अभी ये भी होते हैं क्या बोलते हैं नमकीन वगैरह भी, बहुत सारे फ्लेवर मैंने देखे हैं, बट मुझे मैंने एक बार लाया था इतना कुछ खास नहीं लगा था, मैंने घर पे भी बनाया था, मुझे प्लेन ही मखाना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि आप नॉर्मल जो पॉपकॉर्न होता है ना जो मीट नमक वगैरह कुछ नहीं वैसे ही खा रहे हो। चलिए अभी थोड़ा सा बेडरूम में जाते, थोड़ा सा बेडरूम जो है चद्दर वगैरह जो है वो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, बहुत दिनों के मैंने चेंज ही नहीं किया, वो करते हैं। चलो चलते हैं।
तो ऑलमोस्ट पूरे घर के काम हो चुके हैं मेरे, बस अभी चावल चढ़ाना बाकी है क्योंकि नितेश ने कहा कि आज उनको इतना कुछ ज़्यादा खाना नहीं है, तो बस दाल चावल। और मैंने बहुत सोचा कि आज पकौड़े बना देते, तो मैं प्याज के पकौड़े बनाने वाली हूँ। दाल है, राइस चढ़ाना बाकी है। मैं अभी क्लीन कर रही थी तो मुझे देखिए ये फाइल मिल गया, और इस फाइल में मुझे ये देखिए क्या मिला, तो ये फर्स्ट टाइम का ये शायद सेकंड है मेरा अल्ट्रासाउंड। और उस टाइम पता चल गया था मेन कि मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी है। ये देखिए ये जो छोटी छोटी सी, ये एक और ये दो, ये जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये हमारे स्वामी गुणों हैं, तब उस टाइम पता चला था। और ये जो डेट थी 20/10/14, उस टाइम अक्टूबर का मंथ था और नवरात्रि चल रहे थे। मुझे अभी भी याद है वो दिन, शॉप में बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि दशहरा पास ही आ रहा था, और शॉप में भीड़ हो रही, हमारी शॉप बहुत छोटी थी उस टाइम, अभी जितनी बड़ी दिख रही उतनी नहीं थी, उस वहीं पे थी शॉप, बट एक एक ही गाला था, तो दूसरा जो गाला था हमने रेंट पे दिया था। मुझे डॉक्टर ने मुझे बुलाया था 12 बजे, और मैं 11:30 बजे यहाँ से चली गई थी क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो मैं इस वजह से चली गई थी। तो फर्स्ट डे मतलब कब पता चला था, 10 सितंबर को मुझे पता चला था, और वो भी डॉक्टर के पास जाके पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और फिर उसके बाद इस तारीख को मुझे बुलाया था, 20 तारीख को मुझे बुलाया था डॉक्टर ने कि कैसा है बेबी क्या नहीं। मैं हमेशा नितेश के साथ जाती थी, हमेशा नितेश के साथ, बट उस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो इस वजह से मैं अकेली गई थी। और गई थी अंदर और डॉक्टर ने मुझे चेक किया, डॉक्टर ने बोला चेक करते हैं, और अल्ट्रासाउंड भी दिखाया और बोला कि ट्विंस बेबीज है। फिर बोला ये कैसे हो सकता है, आपने तो परसों मतलब लास्ट मंथ में तो कहा था कि एक ही बेबी है, तो उन्होंने बोला नहीं ट्विंस प्रेगनेंसी है। और पता नहीं उन्होंने क्या लिख के, मतलब एक स्पेशल कुछ तो लिख के रखा था। मुझसे भी ज़्यादा डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनको पता है, मेरे जो डॉक्टर थे वो बहुत सीनियर डॉक्टर थे, मतलब मेरे दादा की उम्र के थे, और वो इतने मतलब टैलेंटेड डॉक्टर है, इतने टैलेंटेड है। और मेन चीज़ थी कि मैं हमेशा उनके पास रोती रहती थी, हमेशा रोती थी, बस वो एक ही शब्द बोलते थे मुझे, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं बोलते थे वो मुझे, हमेशा ये बोलते थे कि बेटा आपको जो है ना वो बेबी हो जाएगा। बहुत अच्छे डॉक्टर थे। और मेरे जो डॉक्टर थे, मुझे किसी ने पूछा तो हमारे सिटी में से है, तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारी ट्रीटमेंट कहाँ पे चल रही थी, तो मेरी जो ट्रीटमेंट थी देशपांडे डॉक्टर है उनके पास चल रही थी, जो बिग बाज़ार है वहाँ पे स्वामी समर्थ महाराज जी का मंदिर है वहीं पे उनका है हॉस्पिटल, तो वहाँ पे मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी। तो बहुत ही अच्छे डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। और मुझे वो शब्द अभी भी याद है जब मैं ऐसे लेटी थी और उन्होंने मुझे ये दिखाया था, और देखा ये देखो ट्विंस प्रेगनेंसी है। और मैं बाहर आ गई हॉस्पिटल के, क्योंकि मैं अकेली चली गई थी, 2-व्हीलर पे अकेली चली गई थी देखो उस टाइम, और यहाँ से थोड़ा सा दूर है हमारे घर से। मैं नितेश को फ़ोन कर रही थी, लगातार फ़ोन कर रही थी, तो उनका फ़ोन ही नहीं लग रहा था, और मुझे इतना गुस्सा आया था यार, मतलब मुझे ये बात तो मैं बतानी है नितेश, मैं 2 बच्चों की माँ बनने वाली हूँ, मतलब हम दोनों ऐसा नहीं था, हम दोनों 2 बच्चों के मम्मी पापा बनने वाले हैं, ऐसे मुझे बताना था, बट पता नहीं वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। तो फिर मैंने अपने मम्मी को फ़ोन किया, हॉस्पिटल के बाहर ही थी, और भी बोली एकदम ज़ोर से बोली पापा ट्विंस प्रेगनेंसी है। तो मेरी मम्मी बोली है ऐसे कैसे हो गया। और उस दिन मुझे अभी भी याद है, पापा घर पे थे, मेरी सिस्टर भी घर पे थी, तो मेरी मम्मी घर पे इतना ज़्यादा चिल्ला रही थी, मेरी सिस्टर ऊपर के रूम में थी और पापा कहीं पे थे, तो मेरी मम्मी चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी शीतल को ट्विंस प्रेगनेंसी। ओ माय गॉड, ओ अभी मुझे याद आ गया ये देख के। तो मैंने सोचा कि ये मोमेंट जो है, कुछ बातें जो है आपके साथ शेयर की जाए। और मैंने बहुत अल्ट्रासाउंड किए, और अच्छे अच्छे अल्ट्रासाउंड थे क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर के पास गई थी, क्योंकि मेरे जो यहाँ के जो डॉक्टर थे ऑलरेडी बहुत अच्छे थे, और उसके बाद मेरे जो सिटी के मतलब मेरे मायके के यहाँ के वहाँ पे भी जो डॉक्टर थे, तो मैंने 4D शायद कुछ तो बोलते, मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, बट एक सोनोग्राफी किया था, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था मुझे, ऑलमोस्ट 12 बजे में गई थी और 6 बजे वहाँ से कुछ तो आई थी,
क्योंकि क्या हुआ था, ट्वींस प्रेगनेंसी होती ना तो उसमें जो लास्ट सोनोग्राफी होती है 7th या 8th मंथ की थी, 7th या 8th मंथ में करनी थी, 8th मंथ में शायद, तो उस टाइम जो है पूरा चेकअप होता है आपका बच्चा कैसा होता है, उसकी सीडी मेरे पास है, पूरा का पूरा बेबी दिखता है, मतलब क्या है उसके हार्ट बीट कैसे चल रहे हैं, उसके हाथ पैर क्या है, सब कुछ अच्छे है नहीं, तो मेरा पता नहीं क्या हो गया था कि बच्चा मतलब मेरा हिल ही नहीं रहा था, दिख ही नहीं रहा था उस टाइम, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ से वहाँ घूमना पड़ रहा था। तो उस टाइम मुझे अभी भी याद है 12 से 6 बजे तक मैं वहाँ पे थी, उस सेंटर में थी। ट्विंस प्रेगनेंसी अगर आप सोचते हो बहुत ईजी है, इतनी ईजी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। मतलब मैं एक बात कहना चाहती हूँ, माँ बनना जैसे कि न्यूली शादी होती है ना, हम कहते हैं माँ बनना है, बहुत बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और जब भी मैं कभी ऐसे खेलते हुए देखती हूँ ना बच्चों को, तो इतनी इजी तरीके से लगता है ना उनको देखना, बट मुझे पता है कि कितना मैंने उस टाइम सहन कर लिया था, क्योंकि मुझे 6 मंथ में स्टिचेस लगवाए गए थे बिकॉज ऑफ मेरी ट्वींस प्रेगनेंसी की वजह से, और वो इस वजह से क्योंकि जल्दी मतलब बच्चा ना आ जाए 7th मंथ में। और वो जो स्टिचेस जब मुझे लगवाए थे तब मुझे इतना दर्द हुआ था, ऐसा लग रहा था कि क्यों लगवा ये स्टिचेस, इससे पहले मैं बहुत अच्छा था मेरा, बट वो स्टिचेस लगवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपकी ट्वींस प्रेगनेंसी हो तो। चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आई होप आपको ये मेरा छोटे सा व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो आप सभी को बताएं, लाइक ज़रूर कीजिएगा।